नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित दमोह जिले के बारे में। यह जिला सागर संभाग का हिस्सा है और राज्य के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। दोस्तों, यह शहर का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के राजा नल की पत्नी दमयंती से आता है और मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान दमोह जिला मालवा प्रांत का हिस्सा था। दोस्तों, इस नगर में शिव, पार्वती और विष्णु भगवान की मूर्तियों सहित कई प्राचीन प्रतिमाएं हैं। क्या आप जानते हो, यह शहर में एक महत्वपूर्ण पशु बाजार है और कई छोटे उद्योग जैसे बुनाई, रंगाई, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम होता है। दोस्तों, दमोह जिला समुद्र तल से 595 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 7306 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, दमोह जिला चारों ओर से पहाड़ियों तथा जंगल से घिरा हुआ है। यह जिले की अधिकतर भूमि उपजाऊ है। यह जिले में मुख्य दो नदियां सुनार और बेरमा बहती है। दोस्तों, यहां सबसे ज़्यादा नदियों से ही सिंचाई की जाती है और यह जिले की जनसंख्या 2011 के अनुसार 12 लाख के लगभग है। दोस्तों, दमोह जिला उत्तर में छतरपुर, दक्षिण में नरसिंहपुर और जबलपुर, पूर्व में पन्ना और कटनी, पश्चिम में सागर जिले से घिरा हुआ है। यह सब दमोह जिले के पड़ोसी जिले हैं। दोस्तों, दमोह जिले के दर्शनीय स्थल की बात करें तो जटाशंकर मंदिर यह दमोह का दर्शनीय स्थल है और यह मंदिर दमोह और जबलपुर रोड पर स्थित है। दोस्तों, यह दमोह में घूमने के लिए सबसे अच्छे धार्मिक स्थलों में से एक है। जटाशंकर मंदिर बहुत प्राचीन है। दोस्तों, यह मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह सावन, सोमवार और महाशिवरात्रि में बहुत भीड़ रहती है। और राजनगर झील यह दमोह जिले का दर्शनीय स्थल है। आप यहाँ पर बरसात के समय आते हैं तो आपको यहाँ पर झील का अद्भुत दृश्य देखने के मिलता है और यह झील के पास आपको एक मंदिर भी देखने मिलेगा जो माँ दुर्गा को समर्पित है। दोस्तों, दमोह जिले में और भी कई सारे पर्यटन स्थल है, उसके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।